हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में इस फोल्डेबल ड्रोन का अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। यदि आप भी इस ड्रोन के बारे में जानना चाहते हो और आप भी कोई ड्रोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना है। ये ड्रोन हमें मिलता है ऐसा ही छोटा सा बैग में जो कि आप देख रहे हो वीडियो में, और इसे हैंग करने के लिए ये ऐसा बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर ड्रोन और उसके रिमोट के साथ कौन कौन सा एसोसरीज दिया गया है। ये रिमोट है छोटा सा और ये छोटा सा फोल्डेबल ड्रोन है, इसे हम साइड में रख लेते हैं। पहले हम देखते हैं इसके बैग में और कौन कौन सा एसोसरीज है। ड्रोन और उसके रिमोट को सेफ रखने के लिए इसके बैग में फोम के द्वारा उसका सेफ बनाया गया है, ताकि ये इसका बैग कहीं पे गिर जाए तो उसके ड्रोन में और रिमोट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके साथ साथ कुछ यूजर मैनुअल दिया गया है, इसे पढ़ के आप ड्रोन को अच्छे से फ्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दो पेपर दिया गया है, इसमें कुछ बैटरी के बारे में भी दिया गया है और ड्रोन के हर एक बटन और इसे किस तरह से गाइड करना है वो सारा चीज़ इसमें बताया गया है। और ये यहाँ पर जो तीसरा पेपर है, इसमें ये QR कोड को स्कैन करके आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मोबाइल से, और वो और उसी से आप मोबाइल से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। और इस ड्रोन के साथ हमें कुछ एसोसरीज मिल जाता है, ये आप देखो। यहाँ पर पहला जो है ये USB केबल है, इस USB केबल के द्वारा आप इस ड्रोन के बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इसके साथ हमें चार्जर नहीं मिलता है, ओनली USB केबल मिलता है। यहाँ पर इस तरीका से यहाँ पर बैटरी निकाल के यहाँ पर इसका पिन दिया गया है। इसमें जब आप लगाओगे चार्जर तो इसमें एक रेड कलर का बल्ब जलता है, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो उसका जो LED बल्ब है वो बंद हो जाएगा। इस ड्रोन के प्रोपेलर को चेंज करने के लिए हमें मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर। यदि इसका प्रोपेलर यदि टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है कोई भी कारण से टकराने से, तो आप इसका प्रोपेलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमें दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिल जाता है, और इसके प्रोपेलर को गार्ड करने के लिए आप यहाँ पर चार गार्ड मिलता है, प्रोपेलर गार्ड, इसे लगा के आप इसे फ्लाई कर सकते हो। यदि आप ड्रोन को पहली बार उड़ा रहे हो और यदि बिगिनर हो तो आप इसके गार्ड को लगा के ही फ्लाई करना, क्योंकि ये हमेशा टकराने का डर रहता है और इससे आपका प्रोपेलर टूट जाएगा। वैसे इसका प्रोपेलर बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत ही लचीला है। और ये फोल्डेबल ड्रोन जो है बहुत ही छोटा ड्रोन है, जब आप इसे फोल्ड कर देते हो तो ये आपके हाथ में ही आ जाता है, और जब हम इसे ओपन करते हैं तब इसका शेप थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। आपको इस तरीका से इसे ओपन करना है, उसके बाद मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ ये किस तरीका से काम करता है। और आप इसके ड्रोन के पीछे में देखो, यहाँ पे एक कैमरा है और यहाँ पे एक छोटा सा वायर टाइप का है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है वाईफाई के द्वारा। यहाँ पे एक नीचे में कैमरा है, दूसरा कैमरा यहाँ पे है। इस कैमरा को आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसे फोटो लेना है और वीडियो बनाना है उसे एडजस्ट कर सकते हो आप इस कैमरा को। और इस ड्रोन के एक मोटर के नीचे कुछ इस टाइप का दिया है, ये क्या है मुझे नहीं पता है। यदि आपको किसी को मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम देखते हैं इसके रिमोट को। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट को, कुछ ये छोटा सा रिमोट है, और यहाँ पे दो एंटीना टाइप का दिया है। इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ शो के लिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे चार चार बटन ऊपर में भी है, और इस रिमोट के पीछे बैटरी लगाने का होता है। 3AA बैटरी यहाँ पे यूज होगा, और ये बैटरी आपको इसके साथ इस ड्रोन के साथ नहीं मिलेगा। ये 2AA बैटरी जो है आपको खुद से ही लेना होगा, सिर्फ इसके ड्रोन का बैटरी इसके साथ मिलता है। और इसे हम लगा देते हैं, चलिए अब हम इसे ऑन करके आपको इसे यूज करके दिखाते हैं किस तरीका से ये वर्क करता है। यहाँ पर जब हम इसे ऑन किए एक बार, जब इसके मिडिल बटन को जब प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा इसका रिमोट। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ऊपर का बटन है मेन बटन, इसे हम थोड़ा देर जब हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक बल्ब जलता है, दूसरा बल्ब यहाँ जलता है, और दो आगे में बल्ब जलता है, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस रिमोट पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था, इस रिमोट के नीचे अपने मोबाइल को फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर जब इसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, और अपने मोबाइल को यहाँ पे फिक्स करके आप वीडियो फुटेज यहाँ से आप देख सकते हो बड़े आसानी से, या फिर अपने मोबाइल से भी इस रिमोट को कंट्रोल कर सकते हो। अब हम एक बार इसे इसमें कनेक्ट करके इसे थोड़ा सा कंट्रोल करके देखते हैं ये किस तरीका से काम करता है। इसका जो ये पहला थ्रोटल है, इसे हम आगे पीछे थोड़ा सा करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और ये उड़ना शुरू हो जाएगा। अब हम इस ड्रोन को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके मोबाइल से यूज़ करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे हम प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सर्च करेंगे RCFPV, या फिर आप QR कोड को स्कैन करके भी ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें नेट को ऑन करना होगा, तो यहाँ से हम डाटा को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं RCFPV। हम इसे पहले से ही इंस्टॉल करके रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम बैक करके यहाँ पर हम वाईफाई पर जाते हैं। यहाँ से हम वाईफाई पर जाएंगे और पहले हम ड्रोन से कनेक्ट करेंगे। ड्रोन हमारा ऑन है, वाईफाई जब हम ऑन करेंगे तो एक यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई 4K WA7DA22 आ रहा है, इसे हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट का बटन को प्रेस करते हैं। जब आप स्टार्ट का बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पे सारा बटन दिया गया है, आप यहीं से इसे कंट्रोल कर सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हो कुछ इस तरीका से। यहाँ पे आप इस पर जब आप प्रेस करोगे इस तरीका से करोगे तो ये ड्रोन वर्क करेगा। जब हम इस एप्लीकेशन में कैमरा और वीडियो के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे शो होता है कनेक्ट द डिवाइस प्लीज़, इसका मतलब मेरा जो ड्रोन है मेरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन हम जब वाईफाई में कनेक्ट किए थे वहाँ पे कनेक्टर शो हो रहा था। मैं इसे बहुत बार कोशिश करके देखा लेकिन ये मेरा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, शायद इस ड्रोन में पहले से ही प्रॉब्लम है और ये सही से वर्क नहीं करता है शायद। तो चलिए अब हम इसे इसके रिमोट से उड़ा कर देखते हैं किस तरह से यह काम करता है। ये जो ड्रोन है इसे मैं बहुत बार यूज करके देखा, इसमें जरा भी स्टेबिलिटी नहीं है। जब हम इसे हवा में छोड़ देते हैं तो ये खुद ब खुद लेफ्ट जाना शुरू कर देता है, खुद ब खुद लेफ्ट जाना शुरू हो जाता है और इसमें जरा भी स्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए इसका इसका जो वीडियो फुटेज भी आएगा तो वो अच्छा नहीं आएगा, आप इसे ठीक से फ़ोटो भी नहीं ले सकते हो। ये जो फोल्डेबल ड्रोन है ये ठीक से काम नहीं करता है। इसका जो रिमोट है लेफ्ट और राइट का, मतलब लेफ्ट और राइट तो होता है लेकिन उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं है। आप लेफ्ट करोगे तो थोड़ा देर के बाद लेफ्ट होगा, राइट करोगे तो थोड़ा देर के बाद राइट होगा, लेकिन इसका मतलब इसका जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही कम है। मैं इस ड्रोन को अमेजन से बाय किया था 6000 में और इसे मैं अभी वापस कर दूंगा क्योंकि ये ठीक से काम नहीं करता है और इसका जो कैमरा है वो मोबाइल से भी कनेक्ट नहीं होता है। और यदि आप इस पर कोई एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वो करके दिखा दूंगा। और यदि आप इसे ओपन करना चाहते हो इस ड्रोन को तो आप मुझे बताना, मैं इस पर एक वीडियो बता दूंगा, इसे मैं इसे ओपन करके इसके हर एक पार्ट्स को मैं आपको दिखा के दिखा दूंगा। हाय फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।